हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी लैब में जो अपना जो माइक्रोस्कोप है, कैमरा वाला ऑप्शन वाला, जो हमारे डिजिटल बोर्ड से कनेक्टेड है, उसको अपग्रेड करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके अंदर खोल के कौन सा माइक्रोस्कोप हम अपडेट करेंगे। पहले यहाँ पर एक चार्जर, ओके। अभी कौन सा मॉडल है थोड़ा आगे देखते हैं, और ये इसकी लाइट है, ठीक है। और इसी में इसका एक ये होल्डर दिया गया है लेंस और लाइट को लगाने के लिए। तो ये मॉडल है इसका RF4 मॉडल है, और इस मॉडल को हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं कैमरा लगा के कि डिस्प्ले पे स्क्रीन इसकी क्या बेहतरीन तरीके से आती है। तो चलिए जल्दी से हम इसको सेट कर लेते हैं। ये मॉडल जो है 3D में है, RF4 3D कैमरा ऑप्शन। इसको खोलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक थी। ये दो इसके लेंसेज हैं, अंदर की तरफ से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और ये हमें इसको कवर्ड करना रहता है। ये इसका पैनल खोल देते हैं, ऊपर से ये लेंस के स्लॉट हटा देते हैं ताकि यहाँ पे लेंस को हम लगा सकें। इसको थोड़ा स्मूव करेंगे, ये 3D में है, आपको बता दें जानकारी के लिए। ओके, ये इसके लेंस हैं, तो एक बार हम लेंस लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ से भी इनको आप जूम कर सकते हैं इस जगह से भी। तो चलिए हम लोग पहले इसको सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, कैमरा सेट करेंगे, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके की क्लैरिटी जो है हमको देता है RF4 न्यू मॉडल कैमरा को फंसाने के लिए। ओके, तो फिलहाल इसको हम यहाँ से खोलना पड़ेगा, हमें लंकी से हमने कस लिया, यहाँ से भी जूम है ये आपके कैमरा के लिए, इतना काम कर। ये इसका कवर्ड है, और ये इसके आँखों वाले वो फोकस लेंस हैं, फोकस कवर्ड है, लेंस नहीं है, कवर। चलिए कवर भी हम इसके यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो ये लग गया, ये इसका कवर हो गया, अब तो कुछ है नहीं। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया, अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी लाइट लगा लेते हैं। तो भाई इसकी लाइट तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये लाइट लगा ली है, अभी लेंस बाकी है लगाना इसका। ओके, लाइट तो आ गई यहाँ पर। ओके, अभी हम थोड़ा यहाँ पर बोर्ड रखते हैं, तो अभी क्लियरिटी यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, अभी इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम इसको कैमरे पे पहले सेट करेंगे कि भाई इसका जो कैमरा है वो किस तरीके से वो प्रॉपर काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा। हम कैमरा को यहाँ से लगाते हैं इसका, कि कैमरा का व्यू क्या रहेगा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको लेंस लगाएंगे इस पर। तो फिलहाल यहाँ मैंने पावर लगा दिया है, और HDMI केबल लगा दी है। अब इससे हमें क्लियर होगा कि हमारी स्क्रीन पे जो है वो किस तरह का व्यू दिखाई देगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसको बोर्ड लगाया है, तो देखिए इसकी क्वालिटी किस तरीके से है, और इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, थोड़ा इधर दिखाइए विवेक कैमरे पे, ठीक है, ये हो गया। ओके, IC के नाम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल दिख रहा है क्लियर, कंपोनेंट भी बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, जैक वगैरह ये बिल्कुल छोटे छोटे कंपोनेंट है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। हम दूसरा मदरबोर्ड यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा उसको देखते हैं, तो वहाँ पर भी जो ICO के नाम्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं,
हाँ, तो यानी कि इस वाले माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है, बट ये न्यू है, 3D पे है, तो RF4 मॉडल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर मतलब एक्सपीरियंस देगा। अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। दूसरा मदरबोर्ड हम लोग यहाँ पर लगा के देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर भी ICO के नाम्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं और कंपोनेंट्स के जो पार्ट हैं। तो अब हमें क्या है ना कि थोड़ा इससे अपग्रेड मॉडल है, तो अब ये है कि हमारे स्टूडेंट को और अच्छी क्वालिटी से जब चीज़ें दिखाई देंगी, तो इसीलिए हम चीज़ें समय समय पर अपने आप को भी अपडेट करते रहते हैं। कौन सा कैमरा यूज़ होना चाहिए, कौन सा माइक्रोस्कोप, समय समय पर सब चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। तो देखिए पिक्चर क्वालिटी इसकी किस तरीके से है, मैंने बोर्ड भी आपको दिखाया है, ठीक है। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये लगभग 14,500 रुपये के समथिंग आपका ये मिलता है, अगर आप अपग्रेड करना चाहें। यहाँ पर अगर आप अपनी आँखों से नॉर्मली विदाउट कैमरा, मतलब आप कैमरा को ना लगा के यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ से भी जूम का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी आप इस पर काम कर सकते हैं अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से। जबकि हालांकि मेरे यहाँ पर जो लैब में इधर ये मॉडल लगे हैं, ये 3D लगे हैं, बट इनके अंदर कैमरा नहीं था। तो RF4 थोड़ा मैं अपग्रेड भी करना था इससे, उससे पहले दूसरा मॉडल पीछे लगा था उससे काम कर रहे थे, फिर इससे किया, और अब फाइनली ये, और इसके बाद भी हम जल्दी दूसरा माइक्रोस्कोप अपने यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं, ताकि और भी बेटर क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।